मेरा पहला रिएक्शन तो यही था कि इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं और जब मुझे वन लाइन वो रहा गया कि एक लड़की है जो इस सेक्स होने की डायरेक्टर थी कि मेरे पास ये तो निकल क्यों आ रहे हैं क्योंकि अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं करती और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पहले तो स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन थी एंड जिस तरह से लिखी गई है इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया गया है क्योंकि ये बहुत थिन लाइन होती है जहाँ पर ये बल्कि हो सकता है बट बिल्कुल ऐसा नहीं है हम कह भी रहे हैं कि फैमिली के अंदर आपको परिवार देखना चाहिए ये तो एंड इट्स ट्रू एंड जिस तरह से शिल्पी जी ने डायरेक्ट किया है फिल्म आई थिंक इज क्योंकि औरत ने एक सेंसिटिवली लाई है सब्जेक्ट की प्रति आई थिंक दैट इज अमेजिंग एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ मैडम ये इसमें नाम से है सेक्स क्लिनिक है कैसे मतलब फैमिली वाले कैसे देख पाएंगे तो देखे व्हाट्सएप But I think it talks about, it touches upon a lot of very, very important subjects in today's day and age. For example, why is sex such a taboo subject? Yes, sir, I'm not very sure. It's not normal. Normalcy ke saath baat nahi kar paate. Kyun isse hum aise hush hush mood mein ya, you know, chup chup ke baat karte hain. Equality is one such thing where you know, we are not going to be a gynecologist but we are going to be a So you know, there are these very, very important topics that are very relevant in today's age that we are touching upon and other things like sex education. Everybody knows but sex education is banned in about 7 states in the country today. Why? क्योंकि जगह अब अगर बच्चों को हम सही जगह से इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जानकारी नहीं देंगे तो वो गलत तरीकों से जानने लगेंगे और आज के टाइम पे तो क्या है गूगल पर जाके सेक्स टाइप कर लो इतनी गलत चीज़ें आ जाती हैं आई थिंक टीचिंग ऑल ऑफ दिस बिगिन शुड बिगिन एट होम इन स्कूल जब बच्चे एज के हो जाते जब उन्हें ये सब ग्रास्प करने शब्द होती है ये इन्फॉर्मेशन दैट्स व्हेन यू शुड टीच देम जैसे कि हमने हमको ये दूसरा सब्जेक्ट सिखाते हैं सोनाक्षी जी पिक्चर के नाम और फोटो को लेकर विवाद है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इसके बारे में कंप्लेंट भी हुई है वो डिसमिस हो गया जी कोई केस ही नहीं था तो वो आज आई थिंक हमें इन्फॉर्मेशन आई सेंड यू द ऑफिशियल की वो डिसमिस हो गया आई थिंक दिस मस्ट हो जैसे इंडिया में सेक्स वर्क को टैबू माना जाता है ठीक है तो क्या लगता है कि खानदानी शफाखाना आने के बाद उस पर कुछ मतलब फर्क पड़ेगा लोग सर पता क्या फर्क इतने जल्दी तो आई डोंट नो पड़ता है नहीं पड़ता है वो से बट ऐसी कुछ फिल्में आई हैं जो ऐसे टॉपिक्स के से डील कर चुकी है जैसे कि विकी डोनर को या शुभ मंगल सावधान को खानदानी शफाखाना और ये दो फिल्में जिनका मैंने नाम लिया दे डन वेरी वेल ऑडियंसेस को बहुत पसंद भी आई तो ये एक हमें हमारे लिए यू नो पॉजिटिव साइन है कि लोग देखते हैं जब ऐसी फिल्में या यू नो सोचने पर मजबूर हो जाते तो इट्स अ स्टार्ट इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन आपने बोला भी है कि हिचकिचाना नहीं आई है तो मतलब क्या ये लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी इसके बाद वी होप सो एक वही मैंने कहा उस दिशा में एक पहला कदम है
and I hope that it does get people to change their mindset. सोनाक्षी सिन्हा, ये पहली बार है जब मैं एक महिला डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, नहीं किया है, and I'm so happy कि इस विषय पर, for my comfort as well, I had a woman director. क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे सेट को हैंडल किया, पूरे स्टोरी को हैंडल किया, इस शूट को हैंडल किया है, शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. मुझे लगता है कोई लेडी ही इतनी सेंसिटिव इस तरीके से इस सब को. और उनकी पहली फिल्म में बिल्कुल नहीं लगा हमें, यू नो, वो एकदम वैसे वंजी भी डायरेक्टर की तरह उन्होंने फिल्म को हैंडल किया है. और इनकी भी पहली फिल्म में आपको बिल्कुल नहीं लगा एकदम मंजे हुए एक्टर की तरह उन्होंने काम किया. कलाकार है ये. बादशाह इसी पे सवाल है मेरा. वरुण साहब, आप मतलब ज्यादातर आपको कॉमेडी मूवीज में देख रहे हैं, तो ये भी आपकी एक कॉमेडी मूवी है, जैसे अभी पिछली आपने अर्जुन पटियाला आई थी, मुझे बहुत मजा आता है. लोगों को हंसाने में मजा आता है, जब कोई स्माइल करता है देख के हंसता, तो मुझे अच्छा लगता है. कॉमेडी जॉनर एक ऐसे जिसने सबसे बड़ी एक्टर के लिए अचीवमेंट होती है एक्सेप्टेंस अमंग द ऑडियंस. सो कॉमेडी जॉनर एक ऐसे जिसने मुझे वो एक्सेप्टेंस दी ऑडियंस के लिए, तो ये जॉनर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कभी छोड़ूंगा नहीं. लेकिन एट द सेम टाइम एक एफर्ट रहेगा कॉन्स्टेंटली डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करने का. अभी आने वाली जो आगे जो फिल्में आ रही हैं उसमें कॉमेडी के अलावा बहुत से अलग शेड्स देखने को मिलेंगे, बट दिस इज समथिंग आई लव. तो मेरे को अच्छा लगता है हंसाना और चेहरों पर स्माइल लाना. सो दिस इज समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू, आई विश एंड आई होप दैट आई कंटिन्यू टू. क्या इसमें ये पारिवारिक रिश्ते जिस तरीके से बिगड़ते हैं, क्या उसको बनाने के लिए आपने कुछ रिश्ते बनाए हैं इस फिल्म के अंदर? सॉरी, जो लोग खानदानी शफाखाना में जाने जाते हैं, खानदानी जब उनके पारिवारिक रिश्ते बिगड़ते हैं तो कई बार ऐसा मौका आता है उन्हें यहाँ जाना पड़ जाता है, तो क्या आपने इस फिल्म में कुछ जो रिश्ते बिगड़ रहे थे उनको बनाया? कुछ दवा लेने आपके पास आया ऐसी चीज़ें? पहले तो परिवार रिश्ते बिगड़ते हैं, यहाँ पर कोई रिश्ते नहीं बिगड़े. क्योंकि जगह जगह जो है डॉक्टर भी हैं जो तरीके के इलाज करते हैं, परिवार रिश्ते करते हैं, तो उनको नहीं सर, वो लोग ना असल के जो डॉक्टर है उनके पास जाते हैं. हम फिल्म बनाने से हम एक्टिंग कर रहे थे, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम लेकर कोई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि मेरा प्यार भी और बढ़े उनका, मेरे को ऐसा लगता है. बट ये एक्चुअली फैक्ट है. एक इंटरेस्टिंग थिंग थी, मेरे मम्मी मेरे से पूछ रहे थे कि बेटा तुम मतलब कब से ट्राई करी जा रहे हैं, रिश्ता होता नहीं तेरा कभी. बट आई होप कि आने वाली फिल्मों में रिश्ता हो और जुड़े. मैं भी आपकी तरह मूवी कर रहा हूँ, बट आई थिंक, बट या इट्स बाय लक ओनली एंड इट्स बाय चांस ओनली दैट ऑल द फिल्म्स, देयर इज नॉट अ कांस्टेंट एफर्ट कि मैं मतलब कोई बात है कि नहीं यार इसको तो नहीं मिल सकती. मैं बड़ा लोग कहते हैं कि ऐसे क्यूट करके भी चले जाते, तो मेरे को लगता है उम्मीद तो है, तो वो देखो हकीकत में कब बदलती है. बट इस फिल्म में मेरे बहुत कंफर्टेबल सेटिंग सोनाक्षी थी, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, बिकॉज मुझे मैक्सिमम चीज़ मेरे सोनाक्षी के साथ थी, तो मुझे लगा कि एक आधा सीन कोई गलत हो गई या तो मैं सोनाक्षी को कह दूँगा दोबारा कर सकते हैं, तो मैं खुद खुश रहा हूँ.
वरुण था और मिक्सअप थे, तो पूरी फैमिली मतलब फैमिली वाली सेटिंग थी, तो मुझे था कि मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे संभाल लें, बट अगर अक्षय कुमार सर होते मुझे बड़ा बड़ा कर मारते, मुझे पता कर क्या रहा हूँ मैं। तो मेरा रोल मैम एक लाइक इन योर फेस लार्ज इन लाइफ पंजाबी पॉप स्टार है, हैपेंस टू हैव अ वेरी हिलेरियस, आप देखोगे तो जो थोड़ा सा गुस्सा है आपके लिए कि हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते फिर भी हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो इसके बारे में आपने कहते हैं ना कि इतनी बड़ी आबादी है प्रशांत के लिए खतरी थोड़ी आ रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, हमको माइंडसेट आज के टाइम में मुझे लगता है कि हम अगर कहीं पे भी सड़क पे जाते हैं कुछ है कोई बंदा जोर से गाली निकालता है तब भी मुंह फेर के नॉर्मल चले जाते हैं हम, क्योंकि यूज्ड हो गए उस चीज से, लेकिन अगर कोई बंदा जोर से सेक्स बोल दे तो बहुत से लोग उसको देखने लगते हैं कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है वही एक कोशिश है कि जो टैबूज है ब्रेक करने के, बात तो करनी चाहिए, बहुत सी चीजें होती हैं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग खुल के बात नहीं कर पाते फैमिलीज में, या फिर जिनके साथ अगर दो फैमिलीज का रिश्ता जुड़ रहा है उसमें अगर बात नहीं होती तो आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, टैबू है ही आई थिंक ब्रेक करना चाहिए, जैसे सोनाक्षी ने कहा कि सेक्सुअल एजुकेशन जो सेक्स एजुकेशन है वो मेट्रोज में स्प्रेड हो रही है लेकिन इंटीरियर्स में अभी तक स्प्रेड नहीं हो रही, मुझे खुद सेक्स एजुकेशन नहीं मिली थी जब मैं स्कूल में था, होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए कि मतलब वही बात होगी कि आप मेरे हिसाब से हमको कोई भी चीज होती है वो माँ बाप से पहले शेयर करनी चाहिए और पूछनी चाहिए और गूगल से बात, वो अब पूरा चेंज हो गया, अब आप गूगल से पहले पूछते और अपने घर वालों से बात करते, मेरे हिसाब से वो जो स्विच है वो वापस ऐसे ही होना चाहिए, जब गूगल नहीं था तब माँ बाप ही सबसे गूगल, जब आज भी आई थिंक सबसे बड़े गूगल जो है बच्चे के मैं एक तो दो फिल्में भी शूट कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, फिर दो फिल्मों की प्रमोशन हो रही है तो मैं मतलब बट गई हूँ पूरी तरह, इट्स स्ट्रेसफुल बट इट्स वेरी वेरी एंजॉयबल वेरी एक्साइटिंग, आई एम थैंकफुल कि मेरे पास इतना काम है एंड आई एम एबल टू डू दैट वेल एंड यू नो प्रोवाइड माय टाइम फॉर एडिशन मेरा गोइंग इक्वली, तो हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल तो है बट बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों फिल्में मेरे बहुत ही कई बार ऐसा होता था कि मेरा और सोनाक्षी का सीन है और शिल्पी मैम हमारी तरफ आ रहे हैं, मेरी मतलब मैं उनको डर लग रहा है कि आगे मुझे कुछ कहेंगे, एकदम से सोनाक्षी तरफ उठ जाते कहते हैं अपने सोनाक्षी तो मैं ठीक ही बोला, especially as an actress for women, there are such amazing characters being written and lots of content being churned out, there's lots of different kinds of movies that are being made, so there's so many options to choose from, you know,
being an actor in today's day and age. It's actually one of the best times to be a part of this. But one question for you as well. आजकल बहुत सारे remixes बन रहे हैं. Do you think कि एक time ऐसा आएगा कि ये backfire भी करेगा Bollywood movies के लिए, क्योंकि बहुत remixes बन रहे हैं Punjabi गानों के, पुराने गानों के. तो एक time audience कहेगी बस अब कुछ नया लाओ. मेरे ख्याल से हर चीज़ का phase आता है. जैसे phase था हिमेश सर का, एक phase था मतलब I think एक item number का phase था. तो धीरे धीरे ये भी phase चला जाएगा. But I do understand कि remixes क्यों बनते हैं. There's a lot of money at stake. उसमें मतलब जब आप पॉसिबल में करती है एक और एक देशभक्ति पे करती है तो ज्यादा दिल के करीब पॉसिबल मेरी हर फिल्म जो मैं करती हूँ मेरे फिल्म के बहुत करीब रहती है क्योंकि मैं अगर नहीं होती तो मैं करती नहीं. मैं अपनी हर फिल्म को ऐसे अप्रोच करती हूँ में रह जाती है कि सेट से जैसे काम किया है और आपको पता है बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं. तो मैं भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करती हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिए लोग कि आपको कैसा लगा. सर ओ सॉरी सर मैं सबको दिखा रही थी ना इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई. तो शी रेडी लगते जब मैंने पापा को दिखाया तो बड़े ध्यान से देख रहे थे और उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था. तो मैं कब आएगा कब आएगा. फिर जब खत्म हुआ टेलर तो उन्होंने अपने एकदम अपने अंदाज में कहा अच्छा है तो मैं चलो. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.